बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शो रिकॉर्ड्स बिटवीन टू डेट्स, यानी ईयर्स चेक करने हैं किसी दो डेट्स के दरमियान के, और उन रिकॉर्ड्स को शो करना है। यानी अगर किसी एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ आ रही है कि लास्ट ईयर में या लास्ट फाइव ईयर्स के अंदर जो जो रिकॉर्ड में है हमारे पास, यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है या रिटायरमेंट है या ईयर ऑफ सर्विस है या फिर डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थडे, तो उनके रिकॉर्ड्स को हमें चेक करना है कि इस डेट से लेके इस डेट तक के जो लोग हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिकॉर्ड शो। तो फार्मूलों से किस तरह से होगा और ऑप्शन से किस तरह से करेंगे, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया हुआ है, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मैंने कॉलम बनाया हुआ है। अब जिस कॉलम में जो डेटा होगा आपकी डेट इंटर हुई हुई है वो कॉलम से चेक करेंगे, एम्प्लॉय नेम और ईयर्स टू चेक। सबसे पहले अगर हम करंट बात करें आज की डेट की, तो टुडे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और करंट सिस्टम डेट इंसर्ट करनी है। टुडे फार्मूला लगाएंगे ब्रैकेट पर ब्रैकेट क्लोज, तो ये इस तरह से डेट फॉर्मेट आ जाएगा, टुडे डेट। अब मुझे लास्ट ईयर तक चेक करना है और लास्ट फाइव ईयर्स देखने हैं और लास्ट ईयर जो अभी एंड हुआ है उस तक चेक करनी है हमें रिकॉर्ड की, जो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग की है, यानी लास्ट फाइव ईयर्स का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास आए। तो यहाँ पर स्टार्ट, ईयर और लास्ट, स्टार्ट ईयर और लास्ट ईयर, यहाँ से इसको सिलेक्ट, सेंटर, बोल्ड। ठीक है जी, तो स्टार्ट ईयर देखने के लिए यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे, ई डेट स्टार्ट डेट कॉमा। अब 2021 चल रहा है तो हमें रिकॉर्ड जो है वो फाइव ईयर्स अगो चाहिए, तो इसको माइनस कर देंगे 72 ब्रैकेट क्लोज, तो 2015 के रिकॉर्ड पे चला जाएगा ये। डेट फॉर्मेट पे अगर ये शो ना हो रहा हो तो इसको सिलेक्ट करेंगे सेल पे जिसमें इंटर किया है हमने फार्मूला, और डेट फॉर्मेट में लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 3, और सेम इसी तरह लास्ट ईयर 2020 तक चेक करना है। तो इसके लिए भी हम इक्वल लगाएंगे, ई डेट स्टार्ट डेट कॉमा माइनस। अब करंट डेट मई चल रहा है तो माइनस 5 मंथ करेंगे, 2020 तक लास्ट ईयर देखना है हमें, तो यहाँ माइनस 5 किया मैंने डेट फॉर्मेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट 3, तो दिसंबर तक की डेट में आ गए। ठीक है, 2015 से 2020 तक 5 ईयर्स का रिकॉर्ड इसमें से चेक करना है। अब इसके अलग अलग तरीके हैं, एक सबसे पहले फार्मूले से चेक कर रहे हैं तो लॉजिकल कंडीशन से देख सकते हैं, दूसरा अगर हम बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट करके देख सकते हैं, तीसरी अगर हम बात करें तो फिल्टर को यूज़ करके भी हम डेटा को शो कर सकते हैं दो डेट्स के दरमियान का। तो तीनों मेथड कवर करेंगे, सबसे पहले फार्मूले वाला मेथड देख लेते हैं। अब ये लास्ट ईयर 15 दिसंबर तक आ रहा है, अगर आपको पूरा ईयर 31 तक चाहिए तो फिर F2 एडिट कर लें और ई डेट से पहले EO बंद कर लें यहाँ पर, और जहाँ ई डेट लगा है एंड में यहाँ पर कॉमा 0 कर दें, तो 31 दिसंबर तक आ जाएगा रिकॉर्ड। इसके बाद अब फार्मूले के लिए हम फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल एंड फर्स्ट डेट सेल सिलेक्ट कॉलम वाइज फिक्स 3 दफ़ा F4 ग्रेटर इक्वल ई डेट, और ई डेट के बाद करंट सिस्टम डेट के लिए लगाएंगे टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा माइनस 72। ठीक है जी, तो 2015 तक का रिकॉर्ड है, तो ई डेट के साथ हमें फार्मूला माइनस 72 जो इस सेल में लगाया था वो यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड फंक्शन के अंदर, और इधर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा कॉमा। लॉजिकल 1 हो गई ये कंडीशन पूरी, एंड फंक्शन के साथ लग रहा है, तो लॉजिकल 2 कंडीशन के लिए दोबारा से इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट डेट सेल और कॉलम वाइज फिक्स, इस दफा आ जाएगा
लेस देन इक्वल ई डेट, और ई डेट करंट डेट के लिए टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा माइनस फाइव, और यहाँ पर ई डेट क्लोज और यहाँ एंड क्लोज, एंटर। ठीक है, जो जो होंगे रिकॉर्ड बिटवीन के वो उधर ट्रू आ जाएगा और जहाँ नहीं होंगे वहाँ पर फॉल्स। ट्रैक कर लेते हैं, अब देखें ज़्यादातर रिकॉर्ड इसमें लास्ट ईयर के ही हैं, 2021 हमने नहीं लिया, सिलेक्ट करा फॉल्स फॉल्स। सही है जी, जहाँ पर वो डेट मौजूद होगी वहाँ पे ट्रू और जहाँ नहीं होगी वहाँ पर फॉल्स। अब बात आ जाती है कि ट्रू और फॉल्स की जगह अगर हमें यस या नो में चाहिए तो आंसर, तो इसके लिए फिर फर्स्ट सेल में आ जाएंगे जहाँ फार्मूला लगाया है F2 एडिट, और एंड की जगह हम इफ़ यूज़ करेंगे। ठीक है, पूरा फार्मूला ये एंड आ जाएगा उसमें कॉमा, कर्सर एंड में ले आएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आप जो भी आप यस नो ओके नोट हो गए तो उस तरह से आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में दे सकते हैं, फॉल्स कंडीशन में नो, जहाँ फॉल्स होगा वहाँ नो लिखा हुआ आएगा। ठीक है जी, इंटर ड्रैग, जहाँ है वहाँ यस और जहाँ नहीं है वहाँ नो, तो इस तरह से भी इसको कंडीशंस रख सकते हैं, ट्रू फॉल्स में रखना है ट्रू फॉल्स यस या नो, तो इस तरह से देख सकते हैं। और अगर यही कंडीशन जो फार्मूला फर्स्ट साल के लिए कर रहा हूँ मैं, यहाँ देखें पूरा फार्मूला शो हो रहा है कंट्रोल। अब इस तरह से देखना और समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें अगर काफ़ी बड़ा डेटा है तो हर सेल में देखना है यस कहाँ आ रहा है नो कहाँ आ रहा है, तो इसको आसान करने का तरीका ये है जो बेहतर इसको में हम देख सकते हैं या समझ में आ सकता है, तो उसको हाईलाइट कर लें। तो ये हाईलाइट करने के लिए इफ़ छोड़ कर जो फार्मूला हमने लगाया पूरा जहाँ पर डबल ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, इसको सिलेक्ट करें कंट्रोल सी कॉपी, और हाईलाइट करके देखने के लिए हेडिंग के बाद से ऑल सिलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे यूज़ फार्मूला, और यहाँ पर फार्मूला पूरा इक्वल का साइन देंगे और पूरा फार्मूला यहाँ कॉपी कर देंगे। इफ़ से पहले यानी जो हमने फार्मूला लगाया था पूरा कंप्लीट, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। फॉर्मेट दिस कलर से आपको हाईलाइट करके देखना है कलर, ओके ओके। ठीक है जी, अब देखें जहाँ पे नौ है वहाँ हाईलाइट नहीं है, और जहाँ पर मौजूद है इन दो ईयर्स के दरमियान का रिकॉर्ड वहाँ यस और कलर से हाईलाइट। अब इसी तरह मैं अगर ईयर चेंज कर देता हूँ तो हाईलाइट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ऑटोमेटिक हाईलाइट भी करके देख सकते हैं आप। काफ़ी रिकॉर्ड जो है वो मैंने इन बिटवीन के ईयर्स के रखे हैं, तो ज़्यादातर सेल जो है वो हाईलाइट हुए हुए नज़र आ रहे हैं हमें। तो दो तरीके हो गए, एक तो हो गया फार्मूले से किस तरह से करेंगे ये मैंने बता दिया, और फिर हाईलाइट किस तरह से होगा ये हमने चेक कर लिया। अब थर्ड ऑप्शन अगर हम बात करें फिल्टर को यूज़ करते हुए कि वही रिकॉर्ड आए हमारे पास जो इन दो बिटवीन के ईयर्स का है, तो इसके लिए फिर हम फिल्टर यूज़ करेंगे। फिल्टर से किस तरह से होगा अब ये देखते हैं। फिल्टर को एक्टिवेट करने के लिए या ऑन करने के लिए हेडिंग के पास कर्सर होना चाहिए कंट्रोल शिफ्ट एल, जैसी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो ये फिल्टर का ऑप्शन दिखाएगा आपको। इसको ऑप्शन से जाएंगे होम मेन्यू और यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी, होम मेन्यू के अंदर यहाँ से या फिर डाटा मेन्यू के अंदर यहाँ से भी इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तीन ऑप्शन बता दिए तरीके। अब बिटवीन डेट्स के हिसाब से हमें चाह रहे हैं कि डेटा सामने शो करें बाकी हाइड हो जाए जो रिकॉर्ड हमें नहीं देखना, तो उसके लिए फ़िल्टर से बिटवीन डेट यूज़ किस तरह से होगी, इसके ड्रॉप डाउन में जाएंगे, फिर ये फ़िल्टर ऑप्शन है, इसके ड्रॉप डाउन में आएंगे तो यहाँ जो इतने ईयर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे होंगे। अगर इस ईयर के हिसाब से चाहिए सिलेक्ट ऑल करेंगे एक दफ़ा के लिए तो अनचेक, और जिस ईयर से जहाँ तक के ईयर्स का रिकॉर्ड चाहिए वो सारे आप चेक लगा लें, तो इसमें ऑल मंथ के आ जाएंगे रिकॉर्ड आपके पास। ठीक है जी, इस तरह से देखें बिटवीन ईयर्स के आ गए।
24 दिसंबर भी लिया था हमने कंट्रोल जेड। और अगर डेट के स्पेसिफिक चाहिए तो फिर यहाँ डेट फिल्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर दिया हुआ है बिटवीन। अब यहाँ पर पूछा इस आफ्टर और इक्वल, तो यहाँ पर डेट क्या है, यहाँ पे 15 मई, तो यहाँ 5 मंथ पहले आ जाएगा स्लैश 15 और फिर यहाँ पर दो हज़ार पंद्रह, इसके बाद की डेट चाहिए आफ्टर और इक्वल, तो हमने 5 मई था, मंथ 5 हो गया और उसके बाद 15 डेट थी, 15 डेट और ईयर, और उसके बिफोर यानी कहाँ तक की, तो यहाँ लास्ट डेट क्या है 31 दिसंबर, तो यहाँ 12 दिसंबर 12वां महीना होता है, 12 आ गया स्लैश 31 डेट हो गई और कहाँ तक 2020। जैसी ओके करेंगे अब देखें सिलेक्टेड या फिर टारगेटेड जो है वो इस स्पेसिफिक डेट के हिसाब से भी उस मंथ की और फिर ईयर की बात करें तो वहाँ से लेके जहाँ तक का आपका होगा रिकॉर्ड वो सारा कलर में हाईलाइट होकर आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ 9 की आ रही है, तो यहाँ हमने ई के अंदर जो ईओ मंथ लगाया था वो हमने यहाँ पर नहीं लगाया 5 के साथ, तो इसलिए ये जो करंट डेट है उस हिसाब से 5 मंथ को माइनस कर, हमने यहाँ ईओ मंथ यूज़ करा था तो इसलिए 31 दिसंबर तक यहाँ शो रहा है। लेकिन असल अगर हम बात करें जो हमने यहाँ फार्मूला लगाया है, तो यहाँ पे जो ई ओ मंथ हमने यूज़ किया था वो हमने यहाँ यूज़ नहीं किया, इस वजह से ये जो कुछ रिकॉर्ड है यहाँ से हाईलाइट नहीं हो रहे क्योंकि वही हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग में पेस्ट किया है फार्मूला, तो इसको सही कर लेते हैं कोई मसला नहीं है। यहाँ जो ई डेट से ई ओ मंथ लगाए पहले इसको एड टू एडिट कर रहा हूँ, फार्मूला बारे में देख लें, फार्मूला आसानी से समझ में आ जाएगा, लेस देन इक्वल ई ओ मंथ और पूरा फार्मूला ई डेट, यहाँ माइनस 5 आ रहा है ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, वहाँ पर कॉमा के बाद 0 और यहाँ पर हो जाएगा एंड का ब्रैकेट क्लोज। अब इंटर करेंगे, अब देखें ये रिकॉर्ड आ रहा है हमारे पास 40 पे और फिर उसके बाद जहाँ पर इस तरह से आ रहा है ये 115, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। अब ड्रैग करेंगे तो यहाँ से इसको ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है जी, हाईलाइट अभी ख़त्म नहीं हुआ, हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि वो फार्मूला यहाँ पे भी हमने जो कंडीशन दी है उसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसी को मैं एंड को जो हमने लगाया है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक दोबारा इफ़ सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और यस और नो लॉजिकल कंडीशन जो ट्रू और फॉल्स हमने बताई थी वो सिलेक्ट नहीं होगी, बाकी पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी ऑल सिलेक्ट कर लें, ऑल सेलेक्ट करने के बाद ठीक है जी, अगर फिल्टर क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर फिल्टर फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑल आ गया। अब इसमें ऑल में सही करना है तो यहाँ से जाएंगे मैनेज, जो कंडीशन फॉर्मेटिंग हमने यूज़ करी है मैनेज रूल से एडिट हो जाती है, मैनेज रूल में जाएंगे एडिट और यहाँ से ये जो फार्मूला आ रहा है इसको पूरा सिलेक्ट करें क्योंकि इसमें ईओ मंथ वाला ऐड नहीं है, और कंट्रोल सी यहाँ से कॉपी किया हुआ था, इधर कंट्रोल वी पेस्ट आ गया ईओ मंथ, और कलर अगर ये रखना ये रखना, चेंजेस वगैरह करनी कर सकते हैं, अप्लाई ओके। अब अगर हम देखें फिल्टर यूज़ करके बिटवीन, और यहाँ पर डेट कौन सी थी 5/15/2020 और 12/31 दिसंबर, अच्छा यहाँ पे 15/8/2015 और यहाँ पे 2020 ओके। अब देखें यहाँ 14 नंबर का जो रिकॉर्ड था सही हो गया, यस हो गया और कलर से हाईलाइट होकर आ गया, तो ये छोटी मोटी अगर मिस्टेक्स हो जाती हैं तो इसको आप सही कर सकते हैं इस तरह से भी, क्योंकि मिस्टेक्स होती इसी वजह से है कि आप उसको सही करके फिर दोबारा से यूज़ करें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आए वो चीज़ें। ठीक है जी, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक कुछ समझ में आएगा नहीं और क्लियर नहीं होगा, ज़ाहिर प्रैक्टिस करेंगे तो फंसेंगे इस तरह से इन चीज़ों में, फिर उसको सही किस तरह से करेंगे वो भी आप फिर खुद से करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है और सही से समझ में आएंगी चीज़ें आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हर दफ़े की तरह वही कहूँगा, लाइक
अगर वीडियो अच्छी लगी है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।